हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीएनसी गुरु महेंद्र वर्मा। और मैं महेंद्र वर्मा आज आपके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेके आया हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इंसर्ट कटिंग टूल्स जो भी हमारे यूज़ होते हैं टर्निंग ऑपरेशन के लिए, सभी इंसर्ट के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो हो तो सबसे पहले आप लोगों तक जानकारी जो है वो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हम लोग सीएनसी टर्निंग मशीन में जो जो सभी प्रकार की जो इंसर्ट्स हैं वो यूज़ करते हैं। यहां पर आप देख रहे हो सभी टर्निंग की जो इंसर्ट्स हैं, इनके बारे में आपको बिल्कुल फुल डिटेल के साथ में मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा कि कौन सी इंसर्ट जो होती है वो कहाँ पर काम आती है और कौन सी इंसर्ट का कितनी डिग्री का जो शेप एंगल होता है, ठीक है, और कौन सी इंसर्ट जो है वो कितना मेटल वगैरह जो है वो काट सकती है, फिनिशिंग के लिए कौन सी इंसर्ट यूज़ की जाती है, और सभी इंसर्ट के बारे में आप लोगों को जो है वो बिल्कुल डिटेल के साथ में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं, यहां पर मैं आप लोगों को शुरू में लेके चलता हूं। तो यहां पर देखिए, कुछ ये वाले जो इंसर्ट हैं, ये वाले ट्रेंगुलर शेप के इंसर्ट हैं। ये सभी जो इंसर्ट हैं ये ट्रेंगुलर शेप के इंसर्ट हैं। तो यहां पर जो इंसर्ट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये मेरे पास में एक TNMG इंसर्ट है। तो इसका जो शेप का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही प्रकार के जो है वो इंसर्ट रखे हुए हैं। और यहाँ पर जो टूल होल्डर के अंदर इंसर्ट को सपोर्ट करने के लिए एक सिम जो होता है वो भी यहाँ पे जो है वो यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, ठीक है। कुछ एक ऐसे इंसर्ट हैं जिनके ऊपर देखो कि दोनों साइड से चिप ब्रेकर जो है वो नहीं बना हुआ है, इसमें जो है वो चिप ब्रेकर दोनों साइड से ही नहीं है। और कोई इंसर्ट ऐसे हैं जिनमें जो है वो दोनों साइड में जो है वो चिप ब्रेकर आपका बना हुआ है। तो ये जो ऊपर की ओर जो डिज़ाइन बना होता है इसको हम लोग जो है वो चिप ब्रेकर कहते हैं। तो इसमें जो इंसर्ट हैं, ये इंसर्ट है हमारी, जैसे मान लो ये यहाँ पर ये TNMG इंसर्ट है, ये जो है हमारी TNMG इंसर्ट है, ठीक है। तो ये इंसर्ट है जो है वो TNMG इंसर्ट है, ठीक है। तो उसमें से जो है जिनके दोनों साइड में चिप ब्रेकर बना हुआ है वो TNMG है, ठीक है। इनमें से कुछ TNMX भी है, ठीक है, और जिनके ऊपर जो डिज़ाइन नहीं बना हुआ है वो जो है वो ट्रेंगुलर शेप में जो है वो इनका कोडिंग आपका अलग होता है। तो ये हमारी जो इंसर्ट है इनसे आप जो है वो टर्निंग कर सकते हैं आराम से, ठीक है। इनका शेप का एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है, ओके। तो ये टर्निंग में आराम से जो है वो आप इनसे टर्निंग कर सकते हो, फेसिंग कर सकते हो, टेपर काट सकते हो, तो और हल्का अंडरकट भी आप इससे ले सकते हो। तो ये वाला इंसर्ट आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर एक CNMG इंसर्ट, मतलब सी शेप का जो है वो इंसर्ट है। तो यहाँ पर ये शुरू के जो इंसर्ट आप देख रहे हो ये CNMG इंसर्ट है, ठीक है। और उसके बाद में ये जो जिनके दोनों साइड में जो है वो डिज़ाइन बना हुआ है ये CNMG इंसर्ट है, क्योंकि इनके जो है वो दोनों साइड में चिप ब्रेकर बना हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हो जो चिप ब्रेकर है वो इस साइड भी बना हुआ है और इस साइड भी बना हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो इंसर्ट है ये दोनों साइड से जो है वो यूज किया जा सकता है। यहाँ पर मेरे पास में ENMX इंसर्ट है जो एक साइड से जो है वो यूज़ किया जाएगा, ठीक है, और इसके अंदर जो है वो एंगल भी बना हुआ है। यहाँ पर जो है वो यहाँ पर एक मेरे पास में एक CCMT इंसर्ट है जिसका जो होल होता है वो काउंटर शेंक वाला जो है वो होल होता है, और इसको जो है वो ज़्यादातर बोरिंग में जो है वो हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे इंसर्ट्स होते हैं जो एक साइड से यूज़ किए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे इंसर्ट्स होते हैं जो दोनों साइड से यूज़ किए जाते हैं। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही प्रकार के जो इंसर्ट है वो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो इंसर्ट है यहाँ पर जो रखे हुए ये सी शेप के इंसर्ट है, जैसे ये है आपका CNMG इंसर्ट है, जिनको हम लोग आपका टूल होल्डर और बोरिंग बार दोनों में जो है वो हम लोग आराम से जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये बोरिंग बार में भी जैसे आपका CCMT इंसर्ट है, इसको बोरिंग बार में जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और इस इंसर्ट का जो शेप का एंगल होता है वो आपका 80 डिग्री का होता है। तो ये जो शेप एंगल आप देख रहे हो इसका, ये वाला शेप का एंगल जो है वो 80 डिग्री का एंगल होगा, ओके। उसके बाद में जो इंसर्ट आपका आता है ये आपका आता है यहाँ पे W शेप का इंसर्ट है, WNMG इंसर्ट है मेरे पास में, WNMG। तो ये वाले जो इंसर्ट हैं ये W शेप के इंसर्ट हैं, इनको भी आप टर्निंग में, फेसिंग में आराम से इनको बहुत बढ़िया तरीके से आप जो है वो यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी इंसर्ट जो है वो टर्निंग के इंसर्ट हैं, और इसमें से जो है आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो सभी इंसर्ट है मेरे पास में ये नेगेटिव इंसर्ट है, दोनों साइड से जो है वो यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। इसका जो शेप का एंगल होता है वो भी इसका जो है वो
80 डिग्री का जो है वो शेप एंगल होता है। और यहाँ पर आप देख रहे हो इंसर्ट को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर एक जो है वो सिम भी रखी होती है जो टूल होल्डर के अंदर इंसर्ट को सपोर्ट करती है। तो ये जो है वो सिम होती है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे पास में एक डी शेप का इंसर्ट भी है। तो यह इंसर्ट आप देख रहे हो, इसका जो शेप है ये आपका डी शेप का इंसर्ट है। तो ये इंसर्ट आपका DNMG इंसर्ट है। यह इंसर्ट जो है वो भी टर्निंग के अंदर, फेसिंग के अंदर आपको जो आप जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये आपका इंसर्ट है, ये आपका DNMG इंसर्ट है, DNMG, ओके। तो ये जो इंसर्ट है आप इसको टर्निंग में, फेसिंग में, टेपर में, ओके, और भी जैसे अंडरकट वगैरह अगर आपको लगाना है तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। तो ये जो मैंने इंसर्ट्स आपको दिखाई हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे इंसर्ट हैं जिनका जो नोज रेडियस है उनका, कईयों का 0.4 का रेडियस है, 0.8 का कईयों का रेडियस है, कोई रफ़ की इंसर्ट है, कोई फिनिश की इंसर्ट है। तो यहाँ पर अब ये देखिए, ये एक बहुत बड़ी इंसर्ट है यहाँ पर। तो ये जो बड़े वाली इंसर्ट है, ये इंसर्ट कौन सी है? तो ये वाली जो इंसर्ट है ये आपकी VNMG इंसर्ट है, सबसे बड़ी इंसर्ट, लंबी इंसर्ट होती है ये, ठीक है। यहाँ पर एक मेरे पास में एक VCMT इंसर्ट भी रखी हुई है, ठीक है। तो इसके अंदर जो नीचे से जो है वो क्लीयरेंस एंगल बना होता है, ये आपका जो है वो पॉजिटिव इंसर्ट है। और ये मेरे पास में जो रखी हुई है, ये हमारे पास में ये वाली जो है वो नेगेटिव इंसर्ट है। इसका जो है वो दोनों साइड से जो है वो इसके ज्योमेट्री बना हुआ है। तो ये हमारे पास में VNMG इंसर्ट है ये हमारे पास में। तो यह भी आपका टर्निंग, फेसिंग और आपका जो है वो पॉजिटिव इंसर्ट होगा, तो इसको आप बोरिंग में यूज कर सकते हो, ओके। तो यह भी टर्निंग का ही इंसर्ट है। उसके बाद में यहाँ पे एक राउंड इंसर्ट आता है हमारे पास में, एक राउंड है, RNMG इंसर्ट है, RNMG। तो ये गोल रेडियस वगैरह बनाने के लिए अगर आपको कोई यूज़ करना है तो ये बिल्कुल गोल इंसर्ट, आप देख रहे हो इसका जो एंगल है शेप का वो 360 डिग्री का होता है। और मैंने VNMG का एंगल नहीं बताया आपको, VNMG का जो एंगल होता है वो आपका होता है 35 डिग्री का। और मैंने DNMG का भी नहीं बताया था, तो DNMG का बता देता हूँ। DNMG का जो एंगल होता है वो 55 डिग्री का होता है शेप एंगल, ठीक है। तो क्लीयरेंस एंगल जो है वो हम लोग इनके अंदर जो है वो अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन जो है वो यूज़ कर लेते हैं, जैसे 3 डिग्री, 5 डिग्री, 7 डिग्री, इनमें जो पॉजिटिव इंसर्ट होता है इनमें हमारा क्लीयरेंस एंगल भी जो है वो बना होता है। तो ये आपका राउंड इंसर्ट है, आपको राउंड शेप का कोई भी रेडियस OD के अंदर अगर आपको डालना है तो वो सेम जैसा आपका टूल है वैसा का वैसा रेडियस उतने आपका जो है उसमें बन जाएगा। तो ये आपका RNMG इंसर्ट है। यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ स्क्वायर इंसर्ट है, तो जिनके अंदर कोई चिप ब्रेकर नहीं बना हुआ है, ठीक है, तो ये बिना चिप ब्रेकर वाले इंसर्ट हैं। और कुछ इंसर्ट जो हैं जिनके एक साइड में चिप ब्रेकर बना हुआ है, तो ये बिना जो चिप ब्रेकर वाले हैं, ये वाला जो इंसर्ट है ये ब्रेजिंग करके जो है वो टूल होल्डर के ऊपर लगता है, ठीक है। और इनको जो है वो बिना ब्रेजिंग के भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्क्वायर में है, इनका जो शेप एंगल होता है वो 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का शेप एंगल है इनका, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ मेरे पास में यहाँ पे ग्रूविंग इंसर्ट है, तो ग्रूविंग जो इंसर्ट होते हैं उनके द्वारा आप लोग जो है वो ग्रूव काट सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे ग्रूविंग इंसर्ट है, तो ग्रूविंग इंसर्ट से आप लोग क्या कर सकते हो, ग्रूव काट सकते हो। कि अगर आपको अपने कोई भी कंपोनेंट के अंदर अगर आपको कोई ग्रूव काटना है तो ग्रूविंग इंसर्ट आपका इस प्रकार से होगा। तो ग्रूविंग इंसर्ट जो है वो आपका इसमें कई प्रकार के आते हैं, जैसे राउंड शेप में अगर आपको कोई रेडियस काटना है तो रेडियस वाला भी ग्रूविंग टूल आता है, ठीक है। तो ये वाला टूल जो है वो, ये वाला भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ग्रूविंग के लिए आप इस प्रकार का जो इंसर्ट है आपको ये जो है वो यूज़ करना होगा, ठीक है। और उसके बाद में आप लोगों को मैं बताता हूँ कि यहाँ पर आप देख रहे हो ये वाला जो इंसर्ट है ये थ्रेडिंग का इंसर्ट है। यहाँ से देखो ये इसके जो है आगे ये एक कॉर्नर बना हुआ है, यहाँ से ये थ्रेड काटता है। तो यहाँ से आप आराम से जो है वो थ्रेड काट सकते हैं। तो चूड़ियाँ बनाने के लिए आपको थ्रेड का जो इंसर्ट है उसका आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो जितने भी आप लोगों ने जो जितने भी इंसर्ट आप लोगों ने जो देखे हैं, ये इन इंसर्ट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। और इस इंसर्ट का अगर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन समझना है, इनकी कोडिंग अगर आप लोगों को समझनी है, तो सभी इंसर्ट्स के बारे में मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो पहले से भी बना के मैंने डाला हुआ है, जिसके अंदर आपको इंसर्ट के डिस्क्रिप्शन के बारे में, कि जैसे मान लो अगर आपका ये TNMG इंसर्ट है तो इसके अंदर TNMG का क्या मतलब होता है, ठीक है, और इसका साइज़ कितना होता है इंसर्ट का, तो हर प्रकार का साइज़, शेप, क्लीयरेंस एंगल, नोज रेडियस और आपका चिप ब्रेकर सब के बारे में मैंने जो है वो वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं। तो उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको इंसर्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी अगर आपको और भी ज़्यादा प्राप्त करनी है तो चैनल पर एक वीडियो बना हुआ है, वो आपको जरूर देखें। तो आज मैंने आप लोगों को जो टर्निंग के जो इंसर्ट बताए हैं, जैसे TNMG, CNMG, WNMG, DNMG, VNMG,
RNMG, ठीक है, और SNMG, और ये ग्रूविंग इंसर्ट है, ये आपका थ्रेडिंग इंसर्ट है। तो इन सब के बारे में जो है वो आप लोगों को अच्छे से पता चल गया होगा कि कौन कौन सा इंसर्ट जो होता है, ठीक है, इसमें से कुछ नेगेटिव इंसर्ट है और कुछ आपके जो है वो पॉजिटिव इंसर्ट है। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और वीडियो पर कमेंट करना ज़रूर। ओके दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।